Hello and welcome back to my channel. Today's video is all about product recommendations. I personally love to try new products, be it skincare or haircare or makeup products. So I just thought why not to suggest few products to you all, because ye jo sare products hai na, these are actually really very nice and I would say these are hidden gems or underrated products jo ki bahut zyada hyped nahi hai. So personally mujhe lagta hai ki ye products actual mein bahut zyada effective hain and जो भी मैंने प्रोडक्ट्स आज के वीडियो में इंक्लूड किए हैं दीज आर ओनली स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स. मेकअप प्रोडक्ट्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है. सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को. ऑल्सो हिट दैट बेल बटन ताकि आप कोई भी वीडियोज़ को मिस नहीं करें. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग फेस वॉश की बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट फेस वॉश विच आई वुड सजेस्ट इज MCaffeine कॉफ़ी फेस वॉश. यू कैन सी कि ये फिनिश हो चुका है एंड उसके बाद मैंने परचेज किया था ये वाला एंड इट इज़ एक्चुअली रियली वेरी नाइस. लाइक इट इज़ सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है विदाउट ड्राइंग इट. सो If you have normal to oily skin, you can definitely check out this. Now, if you have oily and acne prone skin, you should try this Plum Green Tea Pore Cleansing Face Wash. You can see कि ये मैं already finish कर चुकी हूँ and उसके बाद मैंने purchase किया था ये वाला. This face wash makes skin squeaky clean. बहुत ही अच्छा है and it is really very effective if you have oily and acne prone skin. लाइक मॉनसूनस में तो मैं इस फेस वॉश को ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. इट्स रियली वेरी नाइस. नाउ कम्स फेस वॉश फ्रॉम पिलग्रिम. सो ये फेस वॉश है. यू कैन सी ही अगेन फर्स्ट बॉटल जो फिनिश हो गया उसके बाद मैंने ये वाला फेस वॉश को परचेज किया है. सो दिस इज़ एक्चुअली एक जो था वो मुझे PR में रिसीव हुआ था एंड उसके बाद मैंने ये वाला जो है ये मैंने परचेज किया था. बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ पिलग्रिम स्कोलेन फोमिंग फेस वॉश. इट इज़ वेरी जेंटल एंड माइल्ड फेस वॉश सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये जो ब्रश वाला जो रहता है ना उसकी वजह से स्पेशली लाइक आफ्टर शूटिंग एनी वीडियो एंड ऑल लाइक मेकअप को रिमूव करती हूँ ना मैं विद द हेल्प ऑफ माइसेलर वाटर, उसके बाद मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ बिकॉज ये स्किन को जेंटली क्लीन करता है विदाउट ड्राइंग इट आउट. आई जस्ट लव दिस फेस वॉश एंड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू शुड यूज़ दिस डॉटन की बैरियर रिपेयर जेंटल फेस वॉश. इट इज़ सो गुड एंड ये जो फेस वॉश है इट इज़ रियली वेरी क्रीमी स्पेशली फॉर ड्राई स्किन और इवन वेरी ड्राई स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा है, स्किन को क्लीन कर देता है विदाउट मेकिंग इट ड्राई. इट इज़ रियली वेरी जेंटल एंड क्रीमी फेस वॉश. नाउ कमिंग टू फेस सीरम. सो इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ एनी फेस सीरम जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करे एंड एट द सेम टाइम आपके स्किन पर ग्लो भी लेकर आए, सो इन दैट केस यू कैन ट्राई दिस प्लम मैंडरिन एंड विटामिन सी फेस सीरम. सो ये मैंने बाय वन गेट वन का जब ऑफर चल रहा था ना प्लम का उस टाइम मैंने परचेज किया था. काफ़ी अच्छा है. सो लेट मी शो यू. सो दिस इज़ द फेस सीरम एंड बाय वन गेट वन में मैंने ये परचेज किए थे. काफ़ी लाइक इट इज़ रियली वेरी लाइट वेट सीरम एंड स्किन पे काफ़ी अच्छे से ये स्किन को नरिश भी करता है एंड इट एक्चुअली ब्राइटन अप स्किन. सो पर्सनली मुझे ये वाला सीरम काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड नेक्स्ट सीरम जो मैं रिकमेंड करूँगी लाइक इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक डार्क स्पॉट्स या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है अगर आपको, देन यू शुड ट्राई दिस फेस सीरम विच इज़ फ्रॉम सैटर्न. इट इज़ वेरी नाइस फेस सीरम. यू कैन सी कि ये ऑलरेडी फिनिश हो गया है एंड फिनिश हो गया उसके बाद मैंने ये वाला परचेज किया एंड इट इज़ एक्चुअली रियली वेरी इफेक्टिव. लाइक अगर आपको डार्क स्पॉट्स की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. आई वुड से दैट दिस इज़ रियली वेरी अंडर रेटेड प्रोडक्ट. लाइक मैंने क्रिएटर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को इस फेस सीरम के बारे में बात करते हुए ज़्यादा कोई मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे नहीं हैं. आई डोंट नो द रीज़न बट पर्सनली मुझे ये फेस सीरम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. लाइक मुझे पिम्पल्स के जो एक्ने जो स्पॉट्स थे वो हो गए थे एंड उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही थी एंड एट दैट टाइम आई जस्ट थॉट कि ये डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन के लिए है इसलिए मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. लाइक रेगुलरली मैं डेली एक टाइम मैं इसको यूज़ करती थी
एंड मोस्टली लाइक मैं इसको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में ही यूज़ करती थी. मुझे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा एंड जस्ट दैट्स वाई आई जस्ट थॉट कि मैं इसको वापस रिपर्चेज कर लूँ. इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड इफेक्टिव. सो अगर आपको एक्ने स्पॉट्स की, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. पर्सनली लाइक मुझे ये फेस सीरम बहुत ज़्यादा पसंद आया है. एंड इसका और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ सभी के डायरेक्ट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट फेस सीरम इज अगेन फ्रॉम प्लम एंड इट इज़ प्लम राइस वाटर एंड नायासिनामाइड फेस सीरम. बहुत ही अच्छा है. इट मेक्स स्किन वेरी क्लियर. एंड अगर आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, सो इन दैट केस आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा है. एंड दिस वन इज़ अबाउट टू फिनिश. सो आई जस्ट थॉट कि मैं दूसरा सीरम परचेज कर लूँ. सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये वाला परचेज कर लिया था. सो इट इज़ एक्चुअली रियली वेरी नाइस. लाइक इट मेक्स स्किन वेरी क्लियर. सो ब्लेमिशेज या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, सो इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. एंड अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है देन यू शुड ट्राई दिस मॉम्स को अंडर आई क्रीम. इट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव. डार्क सर्कल्स को बहुत हद तक ये रिड्यूस कर देता है एंड ऑल्सो इट इज़ इफेक्टिव टू रिड्यूस पफिनेस एंड फाइन लाइन्स एज वेल. बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अंडर आई क्रीम है ये. फॉर लिप केयर आई यूज डॉट एन की ग्लॉस बॉस लिप बाम. बहुत ही सही है. दिस वन इज़ चेरी पॉप एंड दिस इज़ वॉटरमेलन रश. बहुत ही अच्छा है. एंड इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ टिंटेड लिप बाम तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा. एंड अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है देन यू शुड ट्राई दिस एक्ने स्क्वाड ब्रेकआउट टर्मिनेटर स्पॉट करेक्टर. इट इज़ वेरी इफेक्टिव. लाइक मुझे एक्ने हो रहे होते ना तो उस टाइम मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी ये क्रीम. लाइक एक्ने के ऊपर इसको लगा दो, अप्लाई कर दो डैब करके, बस उसके बाद इससे जो एक्ने है ना वो उसकी साइज़ बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे मुझे. एंड दैट्स वाई मैंने सेकंड वाला भी ऑर्डर कर दिया था नायका से जब उसमें सेल चल रहा था. इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड इफेक्टिव. सो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एंड अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है देन आप ट्राई कर सकते हैं डॉट एन की हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू. यू कैन सी कि ये फिनिश हो गया है. उसके बाद मैंने ये वाला परचेज किया था एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट टू फिनिश. थोड़ा सा बचा है बस इसके अंदर. एंड रियली अच्छा शैम्पू है ये. लाइक अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं. ऑल्सो फॉर ड्राई हेयर यू कैन ट्राई दिस प्लम कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड्स शैम्पू. बहुत अच्छा है ये. एंड ये एक्चुअली मुझे पीआर में रिसीव हुआ था. मैंने इसको यूज़ किया. पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये. एंड अभी रिसेंटली मैंने ये वाला परचेज कर लिया. हेयर को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है एंड फ्रिजी हेयर की अगर प्रॉब्लम है ना तो इन दैट केस इट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव. ऑल्सो प्लम का कोकोनट रेंज सीरम है ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है. इट इज़ रियली वेरी नाइस. ऑफर चल रहा था तो मैंने ये वाला सेकेंड वाला भी परचेज कर लिया. इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड इफेक्टिव. सो अगर आप हेयर सीरम की सर्च में हैं तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा. ऑल्सो मुझे ट्रेसेमे का हेयर सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये हमारे हेयर को लस्ट्रस तो बनाता ही है एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज हीट प्रोटेक्टेंट. लाइक अगर आप किसी तरह के स्टाइलिंग टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, बी इट स्ट्रेटनर और कर्लर, और इवन अगर आप हेयर ड्रायर को भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हीट से हमारे हेयर जो डैमेज होता है ना उससे ये प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स आर हेयर लाइक अप टू 230 डिग्री तक ये हीट से प्रोटेक्ट कर सकता है. सो पर्सनली मुझे ये वाला हेयर सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड क्योंकि हम लोग स्किन केयर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें माइसेलर वाटर को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा. सो हेयर कम्स माइसेलर वाटर विच इज़ फ्रॉम पिलग्रिम एंड इट इज़ स्कोलेन बाई फेस माइसेलर वाटर. बहुत अच्छा है. फिनिश हो चुका था ये वाला. उसके बाद मैंने नेक्स्ट परचेज किया दिस एंड अनादर वन दिस. सो ये माइसेलर वाटर इट इज़ रियली वेरी नाइस. लाइक ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. सो अगर आप किसी मेकअप रिमूवर की सर्च में हैं देन आई वुड से दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल. इफ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप ऐसे यूजफुल वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करें. I shall see you soon in my next video. Until then, stay happy, stay positive, and do take care of yourself. Bye.